एक को अरे फूक मारो फूक मारो फिर दूर एक को इसको मारो एक को वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सभी लोग, स्वागत है यार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 7 अगस्त और आज आपको पता है क्या है, आज है राधे का बर्थडे। अभी टाइम हो रहा है 2:25। तो यार हमने डेकोरेशन के लिए कुछ सामान मंगवाया है, भाई भी आए हुए हैं डेकोरेशन करने के लिए। तो भाई ये डेकोरेशन होनी है, बलून्स वगैरह लगेंगे इसी दीवार पे। आराध्या भी यहाँ पे है नहीं, आरू गई हुई है पापा के साथ मौसी को लेने, मौसी भी आ रही है। तो सारे आज फैमिली मेंबर्स आने वाले हैं। तो आप लोग भी, मैं देख रहा था सुबह से भाई इंस्टाग्राम पे बहुत सारा विशेस कर रहे हो, सो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी टैग किया इंस्टाग्राम पे विश किया। तो चलो अभी डेकोरेशन कराते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसा दिखेगा ये सब डेकोरेशन होने के बाद, ठीक है। सो गाइस इन्हें 5 मिनट ही हुए, तो 5 मिनट में उन्होंने कितने सारे गुब्बारे भाई फुला दिए और देखो दिल वाले कितने प्यारे लग रहे हैं, और ये वाला कलर बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देख ही लिया, हमने इसे टकला कर दिया था, उसके बाल कितने जल्दी आ गए भाई, भाई इतनी जल्दी बाल आ गए इसके, टकला नहीं हुआ। एडी के कितने दिनों बाद आए थे बाल? तुषार कहाँ है? बूट कैंप चला गया प्रैक्टिस के लिए। भाई तुषार ना यार वाकई में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, इतनी प्रैक्टिस मैंने करा होता तो यार मैं भी अच्छा प्लेयर बन जाता, बट मुझे बनने की क्या जरूरत है, मैं तो हूँ अच्छा प्लेयर, ठीक है। तो जो अच्छा प्लेयर नहीं है वो प्रैक्टिस करो, अगर आप लोग को भी अच्छा प्लेयर बनना है तो भाई आप भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अरे गाइस एक चीज और बताना भूल गया, आज अनिरुद्ध भी आज 1 महीने का हो गया है, तो एक केक और मंगवाते हैं 1 मंथ सेलिब्रेशन के लिए, ठीक है। दोनों का है ना, अनि भी भाई 1 महीने का हो गया आज, मैं तो भूल ही गया था, आराधे के जन्म के चक्कर में मैं भूल ही गया कि भाई आज अनि भी 1 महीने का हो गया है। सो गाइस अभी कुछ ऐसा लग रहा है, यहाँ पे देखो हैप्पी बर्थडे लग गया ना, और देखो बलून ऐसे लग रहे हैं, और देखना इनकी ट्रिक, देखना कैसे लगा रहे हैं, वाह भैया वाह, ये तो बड़ी ओपी ट्रिक है, कुर्सी की जरूरत ही नहीं है देखो। भाई इसमें इनमें गैस भी नहीं है, फिर भी बस ऐसे ऊपर फेंक दो चिपक जा रहे हैं, ये टेप लगाई देखो, ओ देखो चिपक गया। तो गाइस देखो आराध्या अभी आई है, आराध्या और निशान दोनों आ गए। आरू को पता ही नहीं है आज क्या है, इसे तो पता ही नहीं आज इसका बर्थडे। आरू क्या हो रहा है, हाँ देखो उतार दी, उसे नीचे उतार दे, अरे तो वो वहां जा रही है। आरू क्या हो रहा है, इधर आओ जल्दी, इधर आओ जल्दी, देखो बलून, अरे इधर चलो उठा लो बलून उठा लो, अरे तो लात मार रही है भाई, हद हो गई। सो गाइस सारी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है, देखो आरू, देखो आरू भी ना अभी तैयार हो गया है, कैसे लग रहा है आरू, देखो अच्छा लग रहा है, और आरू का यहाँ पे फोटो शूट चालू है। आरू हाय कर दो सबको, हाँ ये आपके लिए है, वो जब पिछले साल का था वो वाला बर्थडे ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाए हैं, बट ये वाला बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड गाइस हमारा अनि जो कि 1 महीने का हो गया है वो भी सो रहा है, और ये रही संध्या जो कि बस इसके पास ही बैठी रहती है, इसे और कोई काम ही नहीं है। सो गाइस 5:13 हो गई है अभी, और देखो आराध्या सो गई है यहाँ पे, ठीक है, इसका बर्थडे और ये सो गई, अभी ये इंजॉय नहीं कर पाएगी, बट कोई बात नहीं, अच्छा है चलो सो गई है, शाम तक जग जाएगी, तब तक हमारे घर पे सारे काम भी निपट जाएगा, कुछ रिश्तेदार भी आने वाले हैं, अभी गेस्ट आने वाले हैं, तो उनके लिए खाना वगैरह बन रहा है अभी। यहाँ पे मम्मी और मौसी लगी हुई है खाना बनाने में, ये देखो भाई मम्मी ये क्या की सब्जी है, ये छोले की सब्जी, देखो भगवाना बन करके मौसी ने सारी सब्जी बना दी है, पनीर भी तो बन रहा था, पनीर तैयार हो रहा है, इसमें है पनीर, मसाला तैयार हो रहा है, अच्छा पनीर का मसाला तैयार हो गया है। सो गाइस यहाँ पे ऋषभ भी आया हुआ है, क्या हाल है भाई, बढ़िया, बहुत दिनों बाद आया है लड़का, करीब 1 साल हो गई शायद, भाई इतना भी समझ जाओ भैया जी, प्लीज भैया जी, प्लीज। क्यों वो BMW वाले ब्लॉग में आया था तू, बस भाई इतना धोखा मत करो भाई, और कोई से ब्लॉग में आया, आ जाए आ जाएगा यार, आ जाएगा, तेको मिस करते हैं हम लोग। अनिरुद्ध अभी भी सो रहा है, जब भी आया था तब भी सो रहा था, तब इधर सो रहा था अब इधर सो रहा है, और जैसा मैंने बोला इसकी मम्मी हमेशा इसके पास ही बैठ रहती है, अब तो आस पड़ोस के बच्चे अब इसको आंटी कह के बुलाएंगे ना, है ना, बाद में दम तो, वैसे मेरी शक्ल से तो सब भैया ही बोलते हैं, इसको आंटी बुलाया करेंगे, आंटी नमस्ते, आंटी आराध्या को भेज दो। सो गए तो अभी 8:28 हो गए, और मैं ना यार सो गया था बीच में, क्योंकि मेरे को ना बहुत तेज नींद आ रही थी, और तुषार ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, यहाँ पे सारा सामान लेके आया है, केक लेके आया है, तुषार जाम लग रहा था, बता रहा कि भैया बहुत ज्यादा जाम था, 3 घंटे से जाम में खड़ा हूँ मैं, 3 घंटे से
अरे तो फिर मैंने तुम कौन से रास्ते से चले गए 3 घंटे से? पहले हम एबीएस वाले से गए, एबीएस वाले का पूरा जाम था। फिर पूछा, फिर पीछे से घूम के आए वहां तुम्हारा केक लिया, फिर आते समय पूरा जाम था ऐसे में। पता है तुम लोग काम और पापा चले गए दूसरे वाले फाटक से घूम के, समझे? मैं होता तो इतना जाम में नहीं फंसता, बट कोई बात नहीं गाइस, चलो चलो ठीक है, अभी उठ गया, सबको छोड़ो ये दो भाई। ये अभी रुको, एक चीज और बताता हूँ, ये बहुत गुस्सा था, इसने घड़ी नहीं ली थी और अभी ये घड़ी के पीछे पड़ गया कि मुझे ये घड़ी और ये फोन चाहिए। मैंने कहा भाई घड़ी देखो, ये वाली घड़ी इस वाले फोन के आईफोन के बेकार है, क्योंकि ये इसी में ही ऑपरेट होती है। तो मैंने इसे बोल दिया, मैंने ठीक है भाई कोई बात नहीं, तेरा बर्थडे आ रहा है, आईफोन और घड़ी दोनों गिफ्ट कर देंगे, ठीक है? अभी तो अभी घड़ी तो मेरी है, ठीक है? टाइम वाइम भी दिख जाता है, ठीक है? तरस खा के दे दी तुमको, वरना देता चलना। तो तू गुस्सा था, मैं क्या करूँ। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अभी भाई सब तैयारियां हो चुकी है। देखो यहाँ पे हमारी बहन भी आ गई है, ज्योति भी आ गई है, और ये देखो वर्षा को लगा दिया हमने काम पे। किसको काम था मेरे से? कौन था मेरे से काम करवाने वाला? हाँ अबे मैं जाम में खड़ा हूँ। देखो इसलिए मेरी चार्ज नहीं करा था अपने फोन में, ताकि इनकमिंग कॉल ना आए, समझो? हाँ तेरी कोई इज्जत नहीं है, केक चाहिए था सबको, ठीक है? वाह तो साहब तेरा इंतजाम बहुत बढ़िया है। अरे वाह केक भी आ गया है, क्या करो जब ये हुआ था मैं यहाँ था ही नहीं। भाई केक भी बहुत बढ़िया है। अरे लिपस्टिक तो लिपस्टिक धरी है केक के ऊपर भैया। हाँ मेरा हाथ टूट रहा था, पर अपने हाथ में धर के लाया हूँ, बता तुम्हें है? हाँ। ताकि इसकी एक जियान भी आया है, हाय जियान, ताकि इसकी एक फ्लोर भी ना गिर जाए। ये आरू केक काटना है, आरू केक काटना है आपको है? आरू भी रेडियो के आ गई है। आरू फूक मारो, फूक मारो, एक को इसको मारो, एक को मार, तो फूक मार रही है आरू, मारो फूक मारो, फूक मारो, मार फूक मार, फूक मारो, जल्दी मार, फूक मार, फूक मार, आरू ऐसे फूक मार, ऐसे बुझा, ऐसे बुझाओ, आधी बुझा, अरे कोई तो बुझाओ। तो गाइस अनी भी आ गया इधर, अनी को पता ही नहीं है मैं कहाँ हूँ। अनीमो मैं माँ को खिला दे, अनीमो माँ को खिला दे। आरू दिखियो, ये क्या हो गया? आरू देखो, मुझे आरू देखो, ओह आरू के साथ क्या हो गया? ये क्या हो गया? चल अब रो मत, हटाओ। तो सर ये अब आ रहे हैं दोनों, और बाकी कहाँ हैं? बाकी दो आ रहे हैं और 80 स्टीम कर रहे हैं। वाह एक लड़का मेहनत कर रहा है, इसका मतलब मैं भी कर रहा था, बंद कर गया। वो बोल रहा है कि मैं एक को रुकने पड़ता ना वहाँ पे, तो बोला मैं रुक रहा हूँ। ठीक है चलो, उसका हम नहीं पता देंगे, ठीक है? खाने आते खाने में लग गया है भाई, नहीं इसका है। अच्छा इसके भी टूट पड़ा और सालो कैसे मूड लटका रखा है भाई? अरे गुस्सा हो रहा है, चल कोई बात नहीं, पुरानी बात है, मिट्टी डालो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिल मारो। संध्या तू यहाँ समोसे खाने में लग रही है, वहाँ अनिल रो रहा है बहुत देर से, चप्पर चप्पर खाए जा रही है समोसे। नहीं मैं तो खा ही लूंगा, अनिल को देखो आके तो सारी पेटी खाली कर दी भाई, समोसे से पूरी भर के आई थी, क्या देख लो। अनिल रो रहा है, अनिल रो रहा है, जल्दी आजा, थोड़ी तुम कर लेंगे, आजा तू अनिल को देख ले, तू सर दूध ले क्या फटाफट जल्दी, काम कर ले, कुछ सीख ले भाई, काम घर में रहते हैं तो काम करना पड़ता है, जल्दी जा दूध ले क्या फटाफट। वो लोग यहीं खाना खाएंगे, वो क्यों जाएंगे? दिख रहा है क्या? फ्यूचर में बता रहा हूँ, फ्यूचर में तेरा हाथ खाली नहीं होगा, चूड़िया दे देंगे तेरे को, टेंशन मत ले, बढ़िया चूड़िया दे देंगे तेरे को। अर्जित कह रहा ये दिख रहा है हाथ खाली है मेरा, मैंने टेंशन मत ले, फ्यूचर में देखो चूड़िया दे देंगे, आराम से पहनता रहियो। भाई मेरी आईडी वापस आ गई यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, आज ही मैंने लाइव नहीं करी है एडी। अरे क्या मेरी आईडी खेला तू भाई, बड़ा पागल है। सो गाइस 10:12 हो गई है और यहाँ पे लौंडा फ्रूटी पी रहा है, फ्रूटी सबको मिली है, मुझे नहीं मिली,
भाई हर निशान फ्रूटी कहाँ है? निशान फ्रूटी बोले देखो देखो पूरी क्रेट धर के बैठा, पूरी बोतल धर के बैठा हुआ है। झूठ मत बोल, तूने भी गिलास खत्म कर दिया है झूठे। तो गाइस अभी ना केक तो कट ही गया था, मैं आपने देख ही लिया केक तो कट ही गया है, और घर में ना बहुत सारे गेस्ट वगैरह आए हुए थे, उनका खाना वाना भी करा दिया हमने। ये क्या देख रहा है? ये डेकोरेशन देख रहा है कि डेकोरेशन कितना बढ़िया हो रखी है। अभी बच्चे देखो गुब्बारे फोड़ रहे हैं। चले डी बाय बाय भैया, उधर आ रुकना। ले गुब्बारे ले, रुकना बोल रहा है। ओ रुकना बोला था। एडी एडी ये ले, ये गुब्बारा नहीं भैया, ले ले रानी को दे दियो मेरी तरफ से। ये ले रानी, मेरी रानी ले ले भाई। अबे ये रानी, ये रानी नहीं, ये रानी है नहीं, हम गेम की रानी की बात कर रहे हैं, ठीक है? गेम वाली रानी है ये, गेम की रानी को चैट वो कमेंट में चल जाएगा कौन सी रानी है। हाँ भाई नहीं रानी ले नहीं रहा है, मैंने बोल दिया ना मेरी तरफ से दे दियो तो ले नहीं रहा है। इसने एक बार भी नहीं बोला भैया ठीक है। अभी बर्थडे पूरा सेलिब्रेट हो गया है, 11 बज चुके हैं, सब लोग चले भी गए हैं। अभी ज्योति रह गई है, ज्योति भी गई क्या? ज्योति रह गई है तो ज्योति भी चली जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है? बहुत ज्यादा थक गए हैं, सारा डेकोरेशन से ना थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा है क्योंकि लाइट गुब्बारे पे रिफ्लेक्ट हो रही है। और अभी बस मैं भी जाऊंगा सोने, और ये टकलू बॉस भी सो जाएगा। हाँ भाई टकलू बॉस सुबह स्ट्रीम करनी है इसको। और भाई कल मैं थारा भाई परविंदर कल इतनी स्ट्रीम करेगा क्या किसी ने सोची नहीं होगी, ठीक है? सही है डायलॉग, क्योंकि मैंने दो दिन से स्ट्रीम नहीं करी है। तो कल मैं भाई बहुत ज्यादा स्ट्रीम करने वाला हूँ, 24 घंटे भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं है। आज रात सो जाऊंगा मैं, 24 घंटे नहीं होगी, पहले बोल दे रहा हूँ, ज्यादा हो गया क्योंकि मेरे को रात ब्लॉग भी एडिट करना है अभी। सो गाइस अभी टाइम हो गया 11:37, ठीक है 11:37 हो रहे हैं, और भाई सब खाना वाना खा लिया है, सब लोग चले गए हैं, और पापा मम्मी और आरू गए हैं ज्योति के यहाँ पे उनको छोड़ने। तो अभी हम लोग हैं, तो हमने सोचा चलो भाई अब हम भी रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। मेरे को भी नींद आ रही है क्योंकि सुबह उठते ही स्ट्रीम करनी है, व्लॉग भी एडिट करना है, सुबह उठ के व्लॉग एडिट करूँगा मैं 6:30 बजे। क्या करें, ठीक है? तो अभी संध्या भी हमारी ठीक हो चुकी है, अब लग रहा है इंस्टाग्राम पर दोबारा एक्टिव होने वाली है। हाँ भाई टिको मत पर मुझे व्लॉग बना लिया करो यार, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ तुम्हें पता है। एंड गाइस यार आप सभी का थैंक यू सो मच यार, मतलब जिन्होंने भी इंस्टाग्राम पर टैग करके विश किया आराध्या के लिए, थैंक यू सो मच। और हमारा बाबू भी 1 महीने का हो गया है, अनी भी 1 महीने का हो गया है। तो भाई क्या बात है, बहुत अच्छी बात, मतलब ठीक ठाक है अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है। तो यार और भी बहुत सारे ब्लॉग आने वाले हैं, अभी आप लोग सब लोग सब्सक्राइब कर देना। और मैंने बोला था ना हम लोग मैक प्रो लेने वाले हैं, तो यार उस वाले ब्लॉग पे 62K लाइक हो गए आई थिंक, तो 8000 लाइक और चाहिए, और 8000 लाइक होते भाई मैक प्रो लेंगे हम लोग। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैक प्रो के लिए, क्योंकि उसमें फिर मैं लगता है कि जो फाइनल कट प्रो जो एप्लीकेशन है ना उसमें अच्छी सी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं हम लोग। तो भाई देखते हैं, सीखने में मजा आएगा फाइनल कट प्रो। तो आप लोग लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलेंगे एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय। तो बाय बाय करना ही नहीं है, मैंने कह दिया बाय बाय। चलो बाय बाय कर दो, फिर बाय बाय कर दो, बाय बाय।